पावना लेक के बारे में, मतलब मैंने फोटोज देखे गूगल पे, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, काफी एकदम नेचर वाली एंड अच्छी प्लेस है, आपने वो तो देख लिया होगा। एंड जब मुझे पता चला कि मतलब एक विला है यहाँ पे, पावना लेक व्यू विला, तो मतलब मैंने सोच लिया कि यहाँ पे स्टे करना है। एंड हम आ गए, अकेला तो नहीं आया हूँ, हम में कौन कौन है आपको वो पता चल जाएगा वीडियो आगे देखते देखते। एंड फाइनली पावना लेक विला इज ऑन। विला है ना सबसे अलग, आपको रस्ते में ही दिख जाएगा कि हाँ ये एक विला है आप जहाँ जाने वाले। यस, बिकॉज थोड़ा टॉप पे है ना, मतलब यूजुअली आप एक को आपको मैं दिखाऊंगा कैसा है कि बताए, ये सब कुछ नीचे है, थोड़ा डाउन लेवल पे, एंड ये विला थोड़ा अपर लेवल पे है। तो अगर अपर लेवल पे है तो कैसा होता है कि विजिबिलिटी इजी हो जाती है, सामने ही डैम है एंड ये हमारा विला है। तो फाइनली ये हॉल मतलब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेन थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट द विला इज इट्स वेरी स्पेशियस। स्पेशियस यस, मतलब अमेजिंग है। कबड्डी बबड्डी खेलना है तो यहाँ पे खेल पाएंगे भाई, क्रिकेट फुटबॉल भी खेल पाएंगे, बट खेलना मत, कुछ डैमेज हो जाएगा तो ये पे करना पड़ेगा फिर। किचन यस, किचन के साथ सस्ती वी हैव गॉट अ मतलब स्टोरेज एरिया, एक्वा गार्ड है, पानी हाइजीन इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो एक्वा गार्ड मेरे सामने है, प्लस यहाँ पे किचन है सो यू कैन कुक, एंड अ फ्रिज, माइक्रोवेव और क्या चीज खाना बनाने के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी सवारी मेरे को लेके आ गई। एंड अब कैसा है कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के साथ 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 ये कैरम है, कैरम खेलना है तो कैरम। तो जैसे कि अब ये झूला हो गया, मतलब वुडन झूला है ये ना, फोटोज में देखते थे हम जब गांव में जाता था ना ऐसा, पहले मेरे पेरेंट्स तो वो ये झूला वहाँ होता था, फोटोज में देखता था ऐसा, मतलब एग्जैक्ट वुडन जो एक पुराने जमाने में एक नॉस्टैल्जिक जो ऐसा रहता है ना कि एक झूला, वो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये स्विंग जेन्युइनली एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इस बाहर गर्मी है, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा गर्म हो गया मतलब, बट स्टिल यहाँ पे स्विंग पे बैठा हूँ, कूल ब्रीज आ रही है, ऑल्दो बाहर गर्मी है बट अंदर कूल ब्रीज आ रही है, वो मतलब आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग जो यहाँ की है। एंड मेरा डिसीजन यहाँ आने का जेन्युइनली सही था, बिकॉज इतना अच्छा व्यू प्लस ठंडी हवा एंड ये स्विंग टू बढ़िया। तो हम अभी लंच करने आए हैं दूसरे विला में, वुडन विला है। एंड कैसा है कि हमने दोनों विला मतलब ऐसा पैकेज है, दोनों विला आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो मेन्यू आ गया है, आप मुझे बता दो, ये पनीर बटर मसाला, फिर ये आलू की सब्जी, दाल, एंड ये क्या बोलते हैं पूरी है, प्राइस तो बाद में ले लेंगे। चलो ठीक है, तो टेस्ट करके देखते हैं कि पावना लेक वुडन विला व्यू एंड पावना लेक विला व्यू के जो शेफ है, जो किचन है, उसका फूड कैसा है। लेट्स सी, वेरी
गो समवेयर फार विला की बात आती है तब फूड पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, बट यर इनका अलग से शेफ है जो इंडियन एंड चाइनीज कुक करता है। स्पेशली इन्होंने शेफ रखा है बिकॉज इनका मानना है कि क्यूजिन इंपॉर्टेंट चीज है, तो खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड सो ये अजीब बात है, सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर फूड का टेंशन नहीं है बिकॉज आप मेन्यू बता सकते हो एंड वो तो बन जाएगा। एंड हियर इट इज, तो हम रेडी हो गए पूल में जाने के लिए बिकॉज विला में आके पूल में जाना तो जरूरी है। दो रेडी हो गए, बाकी रेडी हो रहे। ये देखो प्रोफेशनल डाइवर, प्रोफेशनल डाइवर, प्रोफेशनल पानी में डूबने वाला ये। एंड ये देखो गाइस जंप स्पेशलिस्ट। एंड अब बारी बारी सब डायरेक्ट, सबका रूल क्या है हमारा कि ऐसे पैर हाथ अंदर नहीं डालने के, डायरेक्ट अंदर जाने का। ओ और ये हमारी पानी में सांस रुकने की कंपटीशन चालू हो गई है। टॉप कंटेंटर्स 3, 2, 1 स्टार्ट। काफी टफ कंपटीशन सबके बीच में, हर्ष बाहर आते हुए, पार्थ, उमंग, अनिरुद्ध और स्मित के बीच में टफ कंपटीशन। फ्रेश हो गए एंड वहाँ पे सनसेट होगा तो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना कि पावना लेक विला के आजू बाजू क्या है, तो हम जाएंगे। ये रेडी है एंड ये रेडी है, लेट्स गो। तो कैसा है कि अभी यहाँ पे बोटिंग भी होती है, पैराग्लाइडिंग भी होती है एंड कैंपिंग भी होती है, बॉनफायर भी। एंड आप देखो व्यू देखो यार कितने हाइट पे है, मतलब लोनावाला में आके ऊपर 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 और आता है, तो काफी अच्छी बात है। जैसा कि आप देख सकते हो पैराग्लाइडिंग देखो हो रही है जो हम करने वाले हैं, अगर करने मिलेगा तो काफी अच्छी बात है। कितनी हवा है, पैराग्लाइडिंग के लिए काफी अच्छी जगह है ये, वहाँ सनसेट एंड यहाँ पैराग्लाइडिंग, वाह वाह क्या बात है। पावना लेक विला में अगर आप आते हो तो देखो कैसी बात है, ये हमें हेल्प करके यहाँ तक लेके आया, इनकी वजह से हमें लोकेशन पता चली है। तो अगर आप पावना लेक विला में स्टे करते हो तो पैकेज मिल रहा है, लोकेशन भी लेके आएंगे, इतना एंड इसका ऐसा कहता है वो सब पैकेज में आ जाता है, इसका कुछ अलग से वगैरह नहीं है। उसमें भी हमें बताएंगे सनसेट, वो फोर्ट है उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया वहाँ पे फोर्ट है, एंड फिर हमें बताया कि और भी वहाँ पे फोर्ट है। एंड ये एरिया देखो इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी, वो मज़ा आनी चाहिए, कुछ मज़ेदार करना चाहिए। तो क्या करेंगे, तुम लोग में से है ना दो लोग को है ना पत्थर फेंकना होगा, जो दूर फेंकेगा वो तो जीत जाएगा। दिल नहीं रे पत्थर, दिल पत्थर का है वो पूछा ही नहीं मैंने, है ना। तो तुम लोग को पत्थर फेंकेंगे दो जन, उसमें से जिसका दूर नहीं जाएगा ना उसको वहाँ पे जाके डांस करना पड़ेगा। आई नो तुम लोग डांसर्स नहीं हो बट डांस करना पड़ेगा। तो पहले दो दावेदार आ गए, पहला दावेदार विक्रोलीचा दादा चोपड़ा मुलुंची रानी, रानी नहीं यार राजा अनिरुद्ध, वैसे ही जीत जाएगा क्योंकि अनिरुद्ध बहुत लंबी लंबी फेंकता है। अनिरुद्ध ओह 3, 2, 1 फेंको। किसका नजदीक गया, आदित्य का दूर गया, नहीं जीत गया। पनिशमेंट है कि इसको डांस करना पड़ेगा। तो अनिरुद्ध आर यू रेडी, जैसे कि आदित्य चोपड़ा जीत गए हैं अभी उनका कंपटीशन बढ़ गया है, यहाँ के लोकल हमारे विराग विला के केयर टेकर उनके साथ मैच लगाएंगे एंड देखेंगे कि कौन जीतता है। गणेश भाई के सपोर्टर कौन कौन है,
क्या बात है। एंड आदित्य का सपोर्टर कौन कौन है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चैंपियन। चलो तो ऑन द काउंट ऑफ थ्री चेक करेंगे हमारे जज, चार जज खड़े मेरे साथ। ऑन द काउंट ऑफ थ्री टू वन फेक। एंड हमारे जीत गए गणेश भाई, जीत गए, तालियां। अब मैं आपको कैंप साइट दिखाऊंगा, मतलब पावना लो कैंपिंग सुनते हो ना आप, तो वो एग्जैक्टली क्या है ना आपको मैं अब दिखाऊंगा। पता है पावना लेक कैंपिंग में तो सब आते हैं, बट अगर आप पावना लेक विला में आओगे, वुडन विला में आओगे, तो कैंपिंग भी इंक्लूडेड है। एंड ये सब उनके केयर टेकर को यहाँ का सब पता है, तो आई गेस वो हमें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज सामने से सब जगह बताना वो अच्छी बात होती है, एक अच्छा जेस्चर होता है अपने कस्टमर्स के लिए। पहले तो मैं आया था, मुझे पता नहीं था कि इतना सब देखने या करने मिलेगा, तो वो एक अच्छी बात है। मुझे वो केयर टेकर से बात करी, हमने उनके मैनेजर से ओनर से बात की, तब हमने बोला कि इफ यहाँ पे आ रहे हो तो सराउंडिंग एक्सप्लोर करना थोड़ा सा अच्छा है, तो वो लोग अच्छे से गाइड करते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा जेस्चर होता है, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। बिकॉज जब हम कहीं जाते हैं तो जगह देख के मतलब विला हमें प्रोवाइड हो गया एंड देन इट्स ओवर, बट हियर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, दे आर विथ अस, मतलब वो जो उनके जो पैकेट टेकर है वो हमारे साथ गाड़ी में बैठे आगे, तो वो एक जेन्युइनली अच्छी बात है, बिकॉज इतना आना एंड किसी को अपना टाइम देना वो अच्छी बात होती है। एंड सो इतनी ब्यूटीफुल नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हम, पावना लेक कैंपिंग। If you think money can't buy happiness, happy bee, come to Pauna!